हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से। निफ्टी कल किसी को परफॉर्म कर सकता है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी था, उस हिसाब से भी देखेंगे यहाँ पे कंडीशन। अब आज देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप लिया। बैंक निफ्टी के जो HDFC बैंक का जो शेयर है उसमें को लेकर कुछ न्यूज़ थी तो उसका इम्पैक्ट था, अच्छी खासा गैप अप हुआ। फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई भी सही, बाद में लेकिन वापस एक रिकवरी दिखा दी इसमें यहाँ पे। अब इतना क्या होता है ना इस कंडीशन में यहाँ पे कि जो चीज़ ऑलरेडी यहाँ से इतना ज़्यादा बढ़ के इतना ओपन हुई है उसमें वहाँ पे फिर कॉल बाय करने में कहीं ना कहीं आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होते इस चक्कर में ऐसी जगह पर। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका था क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का यहाँ पे एक रिजेक्शन था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के उसने काम करा पर दिन भर यहाँ पे इसी रेंज में एक पूरा दिन भर इसने निकाल दिया। अब कल के लिए अच्छा सेटअप दिख रहा ना यहाँ पे, कल काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पे। देखो कल क्या ना, अगर इसके ऊपर मोमेंटम निकालता है 24,308 के ऊपर मोमेंटम निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में वापस देखने को मिल सकता है। और अगर ये वापस इस लेवल को ब्रेक करता है, ये 24,233 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो वापस से एक बार ये इस जगह तक आ सकता है। फिर ये 24,187 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इसमें, 24,187 तक से लेकर 24,164 तक की रेंज वापस देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, अब जब भी यहाँ पे आएगा एक बार इस जगह के आसपास इस रेंज में तो बाइंग वापस से एक्टिवेट हो सकती है यहाँ पे, इस जगह पर सपोर्ट बन सकता है अच्छा देखने को मिल सकता है। और इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना, या तो बिल्कुल रिजेक्शन पर ट्रेड प्लान करना या फिर बिल्कुल सपोर्ट पर ट्रेड प्लान करना। मिड में अगर कहीं भी करोगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, मोमेंटम किसी भी साइड आ सकता है जैसा कि यहाँ पे आप कर रहे हो। इस जगह पर हो सकता है ऊपर भी निकला, ऐसे यहाँ पे नीचे भी आया, यहाँ पे दोनों तरफ का मोमेंटम दे रहा था, पर यहाँ पे अगर सपोर्ट पे लोगे रिजेक्शन पे लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा, मतलब हमारे पास लॉस के चांसेस कम होंगे इसी कंडीशन में। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे क्योंकि एक रेंज बनेगी। और अगर कल भी इसी तरह से रेंज में यहाँ पे मार्केट निकला, जितना ज़्यादा इस रेंज में रहेगा उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब ब्रेकआउट होगा ब्रेकडाउन होगा, जब भी उसके बाद फिर रेंज ब्रेक होगी तब अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करो यहाँ पे इस जगह पर। और डाउन साइड में होती है तो जो गैप बना है यहाँ पे याला, इस गैप को फिल करने आ सकता है यहाँ पे जब भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के से आज एक्सपायरी भी थी। अब देखो जिसमें ना जिन्होंने यहाँ पे एक बार मोमेंटम कैप्चर कर लिया था पुराना, जिससे बाई चांस लेके गए जो भी कॉल वगैरह लेके गए उनको तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। बाकी यहाँ पे लेने में देखो हर किसी के बस का नहीं होता एक्चुअली में इस जगह पर यहाँ पे, कि इतना गैप अप होने के बाद भी उसके बाद भी लेके आए। बस ये एक अच्छी बात थी आज मार्केट में कि HDFC बैंक काफ़ी पॉजिटिव है उसमें था, तो उसके साथ साथ पूरा बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव था, इसलिए वापस ने एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम दिखाया। पर बाद में जब भी उसके बाद ये 10:30-9:30 के बाद यहाँ पे 9:40 का सिर्फ उसने एक रेंज बना दी यहाँ पे, मतलब रेंज बनाने का इसमें पूरा मोमेंटम इसमें यहाँ पे निकल गया ऐसे में। ठीक है, अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक करा इसने यहाँ पे ये रेंज का 53,000 का लेवल है, 53,000 देखो वैसे ही क्रूशल लेवल है अपने आप में। 53,000 को इससे बाई चांस बाय डिफॉल्ट अपनी आप इसको सपोर्ट और रिजेक्शन देर माना करो। 53,000 हो गया, 53,500 हो गया, 54,000 हो गया, इस तरह के लेवल हमेशा सपोर्ट और रिजेक्शन देर ही काम करते हैं यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया, इसको इजीली ब्रेक होने नहीं देंगे, अगर ये ब्रेक हो गया इसके नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे सस्टेन करने लग गया तो फिर आराम से फिर ये एक बार लेवल दिखा सकता वापस से मिड में। एक तो ये लेवल है 52,674 का और मिड में एक यहाँ पे सपोर्ट आएगा इस जगह पर, ये लेवल आएगा वो है ये 52,827 का। आने में नीचे सपोर्ट दिखेंगे, काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट है, अच्छे सपोर्ट है, लेकिन पर ये एक बार फ्लो में एक बार तेजी आनी चाहिए यहाँ पे, मतलब गिरावट आनी चाहिए यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, और या फिर इसने एक जगह सपोर्ट ले लिया 53,000 पे, ठीक है 53,000 के लेवल पे सपोर्ट लिया तो वापस एक बार ये ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने जा सकता है 53,257 के लेवल तक, फिर वापस एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 53,000 के लेवल को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको अगर हम इसे पैटर्न में देखेंगे बड़ा अच्छा पैटर्न है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे नीचे डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस जगह। ठीक है, तो इसके लिए प्लान करिएगा। और बाकी हम देखेंगे CNX फाइनेंस के बारे में, फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो फिर निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा चलता है इसका और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो इसमें देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो कहीं भी ऊपर रिजेक्शन था नहीं तो मोमेंटम अच्छा ऊपर की तरफ निकाल दिया इसने। अब इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है यहाँ पे पूरा, मतलब तीनों का इंडेक्स जो देखो लास्ट मोमेंट में ना क्या है ना एक रेंज टाइप हो, रेंज बाउंड हो गया, तो जब भी जिस तरफ रेंज ब्रेक होगी उस साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका रेंज क्या है, 23,900 का लेवल, 23,899 जो लेवल है यहाँ पे, 23,900 का लेवल है, उस पर ध्यान रखना है यहाँ पे। जब भी लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये जो गैप बना है एकदम ये फिल करने आ सकता है मार्केट वापस से। हो सकता है कल आएंगे पर हाँ ये चांसेस हैं कि एक बार गैप फिल करने मार्केट आ सकता है वापस से। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट देखो एक दो दिन में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वापस मार्केट अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलेगा ऐसे में। और HDFC आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर्स में आता है बैंकिंग में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है ऐसे कंडीशन में। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।